लेकिन इस बार जो नज़र झड़वा रहे हैं दोस्तों, वो मटका वाली नज़र झड़वा रहे हैं, जो मटका में पानी भर जाता है। तो भैया स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 11 मई 2024 और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। हमारी गली में भी जियो की लाइन बिछ गई थी, केबल वगैरह मतलब पहले लग चुकी थी। आज कुछ और काम चल रहा है यहाँ पर, बॉक्स ऊपर हो गया, अरे नीचे था ये बॉक्स, ये लगा ऊपर बॉक्स, शोर खेल रहा है। ये माल खप गया सब, जब माल दर होती है सारे दर नकली नोट लगे हैं। अब यार तुम भी खेला गया है, अब यार खेले चेक दे ले 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 ले। आज दोस्तों सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि एडिटिंग वगैरह में लगा हुआ था, 2-3 ब्लॉग मैंने एडिट कर लिए। अभी सोच रहा हूँ वीडियो शूट कर लेता हूँ ऊपर छत पे जाके, ऊपर धूप अच्छी है क्योंकि अभी शाम का टाइम होने वाला है तो सूरज अस्त होने वाला है, तो और अच्छी लाइटिंग वगैरह मिल जाएगी। पौधों में पानी भी डाल दूंगा, साथ में वीडियो भी मुझे शूट करनी है एक बागेश्वर धाम से रिलेटेड, और एक सोच रहा था कुबेरेश्वर धाम की भी कर लेता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और क्वेरी वगैरह मेरे पास आती हैं। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वगैरह कैसे मिलता है, वैसे मैंने उस वाली वीडियो में बताया था जो मेरी कुबेरेश्वर धाम पे डली हुई है एक वीडियो, लेकिन फिर भी लोगों के कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना वहाँ से रिलेटेड। वहाँ तो मैंने पूरा आपको दिखाया था कैसे आपको रुद्राक्ष मिलेगा, कैसे क्या आपको करना पड़ेगा, लेकिन कुछ और क्वेरीज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह रह जाते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में आते हैं अपने पास कमेंट सेक्शन में। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो स्पेशल बनाकर क्वेश्चंस के आंसर देके उस पर बना देता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर लोगों को मिल जाएं। और ऐसे ही एक बागेश्वर धाम की भी वीडियो बनानी है, काफ़ी सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास हैं तो उनके जवाब उस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ। तो ये दोनों वीडियो आज मुझे शूट करनी है, एक वीडियो तो कल लाइव हो जाएगी और उसके बाद एक अगले हफ्ते लाइव हो जाएगी। ये सोलर पैनल पीछे लगी हुई है जिसके ब्लॉक तो आपने देखे ही थे जब ये लग रही थी हमारी छत पर, बहुत गंदगी हो गई इस पर, तो सफाई करनी पड़ेगी। एक नया काम और मिल गया सफाई करने का, महीने में मुझे लग रहा है 2-3 बार सफाई करनी पड़ेगी इसकी, तब ये अच्छे से बिजली बना पाएगी। चलो फिर आपसे बाद में मिलता हूँ, वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, अभी धूप अच्छी आ रही है। तो जैसे ही मैंने आपको दिखाया था मैं छत पर आ गया था और वीडियो मैंने शूट कर लिया, अब तो धूप वगैरह भी चली गई यानी कि सूरज अस्त हो चुका है। पानी डाल देता हूँ गमलों में, पानी तो डाल गया, फटाफट से नीचे डालते हैं और दूसरा काम देखते हैं। और वैसे ही बना रही है मैंगो शेक, कितने काट दिए मैंगो शेक बना दिया इनने, बर्फ़ ले जाते हैं। देखो इतनी सारी बर्फ़ हम निकाल चुके हैं, क्या है हम ट्रे को टेढ़ा कर देते हैं, बर्फ़ इसमें आ जाती है, उसके बाद पानी भर के दोबारा से ट्रे को रख देते हैं, इसको नहीं निकालते, जब ज़रूरत होती है तभी इकट्ठे निकालते हैं। दो बार की इसमें बर्फ़ इकट्ठी हो चुकी है। हो गया सब, अभी नहीं कोई कम हो तो ले लो, और दादी को छोड़ने जाना, दादी को छोड़ने जाना है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं ताई को छोड़ाया था, राकेश भैया वाली ताई को, उन्हीं के घर में छोड़ाया था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया, तब तक सौरभ सो गया, और अभी जैसे मैंने आपको टाइम दिखाई दिया ताई आई है नज़र झाड़ने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उसकी तबीयत ख़राब है, तो 2-3 दिन लगातार नज़र झड़वा दे रहे हैं। कल नज़र झड़ी थी तो उसको थोड़ा बहुत आराम मिल गया, साथ में दवाइयाँ तो चली रही हैं, तो आज भी नज़र झाड़ने के लिए ताई से बोल दिया था। लेकिन इस बार जो नज़र झड़वा रहे हैं दोस्तों, वो मटका वाली नज़र झड़वा रहे हैं, जो मटका में पानी भर जाता है। कल तो 3-4 तरीके से नज़र झड़वा दी, मैंने अलग झाड़ी थी, मम्मी ने अलग झाड़ी थी, ताई ने भी झाड़ दी थी, एक मटका वाली झाड़ी थी और एक बत्ती वाली। बत्ती वाली तो मैं कई सारे ब्लॉग में दिखाई चुका हूँ, आज हम जाएंगे वापस से मटका वाली नज़र। तो एक मटका लेने आया हूँ, कल तो जो मटका नीचे रखा हुआ था, एक मटका खैर नीचे भी रखा हुआ है लेकिन उसमें पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, उसकी जो नीचे वाली सतह है वो गड़बड़ है, तो ये वाला सही लग रहा है। तो ये रहा मटका, सही है मटका ताई, बनेगी बत्ती, वो तो सो गया, कैसे लगना है उल्टा। रात को दोस्तों करीब मैं 2-2:30 बजे के आसपास सो जाऊंगा, रात भर एडिटिंग करता रहा, फिर भी वीडियो मेरी सुबह लाइव नहीं हो पाई क्योंकि कुछ पार्ट उसमें बचा हुआ था मिसिंग, तो वो मैंने सुबह एडिट किया, और उस थोड़े से पार्ट को भी एडिट करने में लगभग मुझे सुबह 2-2.5 घंटे लग गए, और अभी भी लाइव नहीं हो पाया, मतलब थंबनेल वगैरह अपलोड हो रही है, तो सोच रहा हूँ अभी तो 10 बजने वाले हैं करीब, 10:30 बजे तक या फिर 11 बजे तक वो उस वीडियो को शेड्यूल पर लगा दूंगा, तो वो लाइव हो जाएगी अपने आप,
आज काफ़ी लेट हो गया, अगली बार से कोशिश करूँगा टाइम पे बैक टू जर्नी वाले चैनल उसकी वीडियो टाइम पे ही अपलोड हो जाया करे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ काम है, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।